नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अल्प्रैक्स टैबलेट के बारे में तो हम जानेंगे ये मेडिकेशन के बारे में डिटेल में और कवर करेंगे अलग अलग पॉइंट्स जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये मेडिकेशंस के बारे में बेसिक जानेंगे हम फिर सेकेंड हम सीखने वाले कि उसका मैन्युफैक्चर कौन है यूज़ क्या है डोज उसकी प्राइस वगैरह क्या रहेगी वर्किंग मतलब कि ये दवाई काम कैसे कर दी है मेकेनिज्म ऑफ एक्शन उसके समझेंगे साइड इफेक्ट्स कवर करेंगे वार्निंग्स क्या है प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन और ड्रग ड्रग इंटरक्शन को डिटेल में सीखेंगे अल्प्रैक्स जीरो पॉइंट फाइव मेडिसिन के बारे में तो ऐसे ही समझिए कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में बीमारियों के बारे में तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मर ऑक्स के ऊपर तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमें सिर्फ व्हाट्सएप करना है या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा ते हैं टॉपिक पे और समझते हैं अल्प्रैक्स 0.5 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में तो सबसे पहले उसका बेसिक हम कवर करते हैं तो बेसिक में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि यह मेडिकेशन का ड्रग क्लास क्या है तो यह ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटी एनजाइटी ड्रग कहते हैं और उसके अंदर स्पेशली ये बेंजोडाइजेपिन क्लास का एंटी एंजाइटी ड्रग है उसके पास सेडाटिविन हिप्नोटिक एक्शंस भी प्रेजेंट है और सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो अल्प्राजोलम उसके अंदर प्रेजेंट है और स्ट्रेंथ की हम बात करें तो 0.5 मिलीग्राम जितना मेडिकेशन ये दवा के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये जो अल्प्राक्स जो है वो उसका ब्रांड नेम है और सॉल्ट कंटेंट जैसे मैंने आपको बताया वो है अल्प्राजोलम तो यहाँ पे हम उसके लेबल की स्टडी अच्छे से कर लेते हैं तो लेबल में आप देखो कि ये जो टैबलेट का टाइप है वो है अनकोटेड टैबलेट मतलब कि टैबलेट के ऊपर कोई भी प्रकार का कोटिंग जो है वो नहीं किया गया है टैबलेट का कलर जो है वो येलो होगा बिकॉज उसके अंदर सनसेट येलो करके कलर ऐड किया गया है सॉल्ट कंटेंट इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग टू 0.5 मिलीग्राम है अल्प्राजोलॉम स्टोरेज की हम बात करें तो 30 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर पे आपको उसे स्टोर करना है और लाइट एंड मॉइस्चर से यह दवा को जो है वो प्रोटेक्ट करनी है अब आगे जानते हैं उसके मैन्युफैक्चर के बारे तो टॉरेंट फार्मास्यूटिकल जो उसके मैन्युफैक्चर है और टॉरेंट फार्मा के बारे में मैं आपको बता दू तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका हेड क्वार्टर्स जो है इंडिया में अहमदाबाद में है गुजरात के अंदर आगे जानते हैं ये मेडिकेशंस के यूज के बारे में कौन से अलग अलग यूज रहते हैं उसके तो सबसे पहले जो एनजाइटी जो होती है उसके इलाज में यह दवा को यूज किया जाता है तो एनजाइटी क्या है वो आप यहाँ पे सबसे पहले समझिए तो एनजाइटी को हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं चिंता होना क्या आपको चिंता होती है घबराहट होती है कोई डर वगैरह है आपकी लाइफ के अंदर या फिर कोई ऐसा काफी ज्यादा टेंशन है तो उसको कम करने के लिए दवा को जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है सेकंड कंडीशन हम देखें तो फियर यानी कि आपको डर लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं बन भी रही है या फिर नहीं बन रही तो भी आपको जो है वो डर लगता है तो उसको ठीक करने के लिए उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है तीसरी कंडीशन हम देखें तो जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं मतलब कि आपको नींद नहीं आती अनिद्रा की कंडीशन है या फिर मेडिकल टर्म्स में हम कहें तो इन का प्रॉब्लम लॉस ऑफ स्लीप की यहाँ पे आप देखो कि चार बजे है फिर भी इनको जो है वो नींद नहीं आ रही है तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं कि आपको नींद नहीं आती अच्छे से रात को लेट तक जब जागते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है फिर आगे कंडीशन हम देखे थे जो पैनिक डिसऑर्डर्स है मतलब कि आपको पैनिक अटैक्स आते हैं फिर आप अचानक से पैनिक हो जाते हैं आपके मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं मूड अचानक से चेंज हो जाता है फिर अचानक से आप जो है वो हंसने लगते हैं या फिर अचानक से आपको रोना आ जाता है या फिर काफ़ी समय तक आप रोते रहते हैं तो इसको हम पैनिक अटैक्स कहते हैं कई बार स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा आप महसूस करते हैं एनजाइटी फील करते तो ऐसे कंडीशन को भी ये मेडिकेशन ठीक करती है फिर काफ़ी ज़्यादा आप नर्वस हो जाते हैं या फिर सैडनेस आ जाती है लाइफ के अंदर तो उसको भी ठीक करने के लिए यह मेडिकेशन को दी जाती है कि काफ़ी जो है पेशेंट अचानक से नर्वस हो जाता है नर्वसनेस उसके अंदर देखने को मिलती है तो कि जिसको सिंपल हम कहे तो आप उदास हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मूड्स चेंज हो जाने के कारण तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है ये दवाई फिर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो वो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ के अंदर किसी भी तरह का वो स्ट्रेस है तो उसको भी कम करने के लिए ये दवा को है। जो है वो दी जाती है एनजाइटी जो है मेन उसी के ये सब अलग अलग सिम्टम्स होते हैं तो उसको ये दवा जो है वो ठीक कर दी है अब बात करते हैं उसके डोज के बारे में तो उसका आइडियल जो डोज देखें तो वो रहता है जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव से लेकर वन मिलीग्राम जितना दिन में तीन बार पेशेंट ले सकता है मतलब कि आप टैबलेट के तौर पे समझे तो एक टैबलेट दिन में दो बार या फिर तीन बार जो पेशेंट ले सकता है और अगर किसी को पैनिक अटैक्स आ रहा है काफ़ी ज़्यादा तो ऐसे केसेस में छः मिलीग्राम पर जितना डोज भी उसको दिया जाता है पर यह होगा मैक्सिमम डोज इससे ज़्यादा डोज जो यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज उसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मैक्सिमम डोज आपको कब यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ पैनिक डिसऑर्डर से किसी को तो ही उसका मैक्सिमम डोज यूज करने वरना समझो कि आप नींद वगैरह के, के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंट ट्वेंटी फाइव से वन मिलीग्राम जितना डोज जो है वो इनफ रहता है प्राइस की हम बात करें तो एक टैबलेट की जो प्राइस है अराउंड फोर रुपीज़ के आसपास पड़ती है बिकॉज जब ये पूरा ब्लिस्टर परचेस करते हैं पंद्रह टैबलेट का तो उसकी प्राइस जो अराउंड सिक्सटी रुपीज़ के आसपास होती है तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस हम कह सकते हैं फिर अब उसके वर्किंग के बारे में समझते हैं तो ये दवाई काम कैसे करती है तो ये क्या करते हैं कि हमारे माइंड के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और इसमें से एक केमिकल है वो है गाबा के जिसका पूरा नाम है गामा अमाइनो ब्यूटी एसिड तो ये जो केमिकल होता है उसका लेवल जो है वो ये मेडिकेशन जो है वो इंक्रीज करती है जिसके कारण जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फील होता है कि जो आपको स्ट्रेस वगैरह था एनजाइटी वगैरह थी डर था वो सब ये केमिकल की मात्रा बढ़ने के कारण जो वो काफ़ी कम हो जाते हैं और आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं हैप्पी फील करते हैं और जो चिंता और घबराहट है वो आपकी कम हो जाती है तो मेकेनिज़म में ये है कि ये मेडिकेशन जो क्या करते हैं कि जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर उनके साथ जो है वो खासकर बाइंड होती है और वहाँ पर जो गाबा मेडिएटर साइनेप्टिक इनिबिशन होता है उसको इंक्रीज़ करता है सॉरी इंक्रीज करता है कि जिससे गाबा की जो इफेक्ट है वो बढ़ जाती है डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आपको काफी इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो गाबा रिसेप्टर होते हैं उनसे ये हमारी मेडिकेशन जो है वो बाइंड हो जाती है कि जो बेंजो डाइजेपिंग ग्लास के मेडिकेशन है और वो क्या करती है गाबा की इफेक्ट को जो है वो इंक्रीज करने में जो है वो मदद करता है कि जिससे काफ़ी जो आप है आप रिलैक्स फील करते हैं अब आगे बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की तो ये मेडिकेशन के जो वो काफी है वो काफ़ी ज्यादा साइड इफेक्ट्स है इसलिए प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में ही उसको यूज़ करनी चाहिए और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको जो है वो बेचा जाता है जब भी रिटेल में बेचा जाता है तो बिकॉज उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं तो जो रेड कलर किया गया है या फिर मैं अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो साइड इफेक्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं जैसे कि अगर ये मेडिकेशन आपको सूट नहीं होती तो आपकी आँखें जो है वो ला येलो विश हो सकती है मतलब कि आँखों में पीलापन जो है वो देखने को मिल सकता है फिर सीजर्स आ सकते हैं वीकनेस आ जा सकती है और कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मतलब कि आपको चलने में दिक्कत आ सकती है या फिर आप जो है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना सकते अपना ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं फिर स्किन के ऊपर सीवियर रैसिस जो है डेवलप हो सकते हैं अगर ये दवाई आपको सूट नहीं करते या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन्स हो जाती है इसके कारण फिर कई बार मेमरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ लोगों को कन्फ्यूजन जैसा फील करते हैं या फिर हेल्यूसुनेसंस जैसे साइड इफेक्ट्स जो वो डेवलप करती है ये दवाई फिर कुछ माइनर साइड इफेक्ट देखें तो ड्राई माउथ जैसा फील होता है कि जब भी ये दवाई खाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके माउथ के अंदर सलाइवा बहुत कम बन रही है और उसके कारण आपको ड्राइनेस जैसा फील होता है फिर आ, कुछ केसेस में सलाइवेशन होने लगता है मतलब कि कुछ केसेस में सलाइवा ज़्यादा बनती है या फिर कुछ केसेस में ड्राई माउथ जैसा आप फील करते हैं फिर ड्राउसीनेस जैसा हो सकता है लाइट हेडेडनेस जैसा हो सकता है डिजीनेस जैसा आप फील करते हैं इरिटेबिलिटी हो सकती है फिर वेट चेंज जैसे प्रॉब्लम भी ये मेडिकेशन के कारण हो सकते हैं और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी ये दवा जो है वो कर सकती है तो खास आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सलाह के अकॉर्डिंग टू ही ये मेडिकेशन को जो है वो यूज करें और कोई भी साइड इफेक्ट होती है तो तुरंत उनको कॉन्टैक्ट करके आप दवाई जो है वो चेंज करवा सकते हैं नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं उसके वार्निंग्स के भी कौन से कंडीशन में यह दवा को नहीं करनी तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन कि पेशेंट के अंदर जो है वो ओबेसिटी देखने को मिल रही है या फिर पेशेंट जो है वो ओवरवेट है कि जब हम उसका बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में यह दवाई को यूज़ ना करें सेकंड जिनको सुसाइडल थाट्स आते हैं उनके लिए दवाई की वार्निंग रहती है कि ऐसे पेशेंट को यह दवा प्रिस्क्राइब ना करें ड्रग एब्यूज मतलब कि ड्रग एडिक्ट जो होते हैं उनको भी ये दवा नहीं देनी चाहिए फिर जो डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं या फिर ग्लूकोमा uh, के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये दवा नहीं दी जाती है। फिर अस्थमा में भी ये वार्निंग है कि आपको अस्थमा है तो ये दवा यूज़ ना करें लीवर प्रॉब्लम है आपको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वीकनेस है आपके बॉडी के अंदर या फिर आप टोबेको स्मोकिंग करते हैं तो उन लोगों को गलती से भी ये दवा नहीं देनी चाहिए अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान की तो प्रेगनेंसी कैटेगरी ये मेडिकेशन की डी है तो रिस्क रहते हैं फिटस जो डेवलप हो रहा है तो प्रेगनेंसी में उसको कभी भी यूज़ ना करें फिर आगे बात करनी है हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स की कि कौन से कंडीशन में आप उसको यूज़ ना करें तो प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है उस दौरान यह दवा को यूज़ ना करें सेकंड ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में भी आप उसको यूज़ ना करें अगर किसी को लीवर डिसीज़ है या फिर उसको किडनीज डिसीज़ है या फिर पेशेंट ओबीसीटी वाला है तो उसको भी ये दवा को प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए वो गलती से भी यह दवा को यूज ना करें फिर सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं कि जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिस कहते हैं इन लोगों को भी ये दवा नहीं देनी चाहिए जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जिनके लंग्स जो है वो काफी वीक हो चुके हैं स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं या फिर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या फिर अल्कोहल पॉइजनिंग के पेशेंट हैं उनको भी ये दवा जो है वो नहीं देनी चाहिए अब आखिरी पॉइंट जो हमें समझना है वो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस ये काफी जरूरी पॉइंट है इसको आपको स्कीप नहीं करना चाहिए बिकॉज कौन सी दवाइयों के साथ इसको कॉम्बिनेशन में नहीं लेते तो सबसे पहले आप देखो तो नेफाजोड करके जो ड्रग आती है उसके साथ इसको यूज़ ना करें फिर सेकंड फ्लू है फ्लूओक्सेटिन है मॉर्फिन है कोडिन है और डाईहाइड्रोक्रोडिन जैसी ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन ना करें फिर दूसरे कुछ दवाइयाँ हम देखें तो बोपरेन और फिन करके जो दवाई आती है उसको साथ भी यूज़ ना करें क्लोरेफिनारेमाइन है डायफिन है प्रोमेथाजीन है एंटीफंगल्स दवाइयाँ हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवस वगैरह हैं उसके अलावा आप देखो तो इरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक है सीमेटिडिन या फिर रैनिटिडिन जैसे दवाइयाँ के जो एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैप्टिक अल्सर में यूज़ होने वाली जो दवाइयाँ होती है उसके साथ भी ये कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें फिर डिल्टी एजम है डिजॉक्सिन है रिटोनाविर जैसी एंटीवायरल ड्रग के साथ यूज़ ना करें फिर जो एंटी साइकोटिक्स जो दवाइयाँ होती है कि स्पेशली जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती है कि जिनके डोज काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उनके साथ यह मेडिकेशन को यूज़ ना करें वरना साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ सकती है फिर अल्कोहल के साथ भी यूज़ नहीं करने चाहिए या फिर कोई भी अल्कोहलिक सिरप्स वगैरह आप ले रहे हैं तो उसके साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में यह मेडिकेशन को यूज़ ना करें तो ऐसे समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में बीमारियों के बारे में तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारोक्स के ऐप ऊपर तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट